अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हम अब अंदर को कहाँ ढूंढेंगे? हमें ना एक बार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड पर भी जाके ढूंढ लेना चाहिए उसे, क्या पता मिल जाए वो। सुमन नंदन घर से कार लेके निकला है, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे ढूंढने से क्या होगा? देखो घबराओ मत, वो यहीं इसी शहर में, बस हम सबसे जानबूझकर छुप गए। देखो सुबह हो गई है, 10 बजते ही या तो उसकी नींद खुलेगी या उसका नशा टूटेगा। नहीं अंशुमन जी, उसने शराब नहीं पी होगी, उसने हमसे प्रॉमिस किया कि वो कभी नहीं पिएगा। और आप गए थे ना हर बार में, हर रेस्टोरेंट में कहीं मिला वो, नहीं ना अंदर शराब नहीं पिएगा अंशुमन जी। सॉरी सुमन, मेरा मतलब वो नहीं था। जी पापा। बेटा तुम दोनों कहाँ हो? जहां भी हो इसी समय घर आ जाओ। पापा नंदन का पता चला क्या? अभी नहीं, लेकिन तुम अभी घर आ जाओ तुरंत। पापा लेकिन हम घर कैसे आ सकते हैं? हमें नंदन को ढूंढना है, वो अब तक नहीं मिला। जब तक हमें नंदन नहीं मिल जाता हम घर वापस नहीं आ सकते पापा, प्लीज। चाची सुमन हमारी बात ध्यान से सुनो, तुम राय बहादुर खानदान की बहू हो, इस तरह से भागलपुर में रात भर तुम्हें घूमना शोभा नहीं देता, वापस आ जाओ। हमारी बात को हमारा आदेश समझो, तुरंत लौट आओ। जी माँ। सुरभि जी, आप ही ने कान्हा जी के नाम पर नंदन का नाम रखा था ना? बस तो फिर नंदन भी कान्हा की तरह ही हम दोनों के साथ आंख मिचोली खेल रहा है, आ जाएगा, आप चिंता ना करें। सुमन को पूरा भागलपुर घुमा है अंशुमन बउआ। अब अगर इनका बात का जवाब नहीं है तुम्हारे पास तो हमारा बात का जवाब दे दो ना बड़के बउआ। तुम जब हमको आग दिखाए थे ना आश्रम में, तभी समझ गए थे हम कि तुम्हारे मन की भावनाएं मिटी नहीं है अभी तक बड़के बउआ। अरे कुछ तो आग सुलग रहा होगा जो धुआं उठ रहा है। भाभी कितनी ऊंची बात कर रही हैं आप, इतना सब कुछ हो रहा है घर में फिर भी आपका मन नहीं भर रहा। आज जोर के विनती करते हैं हम आपको, बोलने से पहले जरा सोच लीजिए आप। झांजी नंदिनी सुमन को अंदर ले जाओ। बड़ी मां ऐसा भी क्या किया मैंने जो आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हैं? नंदन का कुछ अता पता नहीं, सुमन टेंशन में है, परेशान है, मैं उसे ढूंढने जा रहा था और अगर वो मेरे साथ चली गई तो उसमें अनैतिक क्या है? अरे छोटके, बड़े मासूम है तुम्हारे ही बड़के बउआ। अरे जरा समझाओ ना इनको कि अपने छोटे भाई की पत्नी को लेके रात भर घूमना नैतिक है कि अनैतिक। अरे समझाओ। समझो हम आप फास्ट नंदन
मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूँ। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा सजा दिया तुमने अपनी सुमन को। सॉरी मैडम, अब कोई गलती नहीं होगी, आई प्रॉमिस। और अगर फिर से कोई गलती हो गई तो आप जो सजा दोगी मंजूर है, लेकिन हाँ तुम भी एक बात याद रखना, अगर तुमने कोई भी बेवफाई की ना तो सारे प्रॉमिसेस तोड़ दूंगा। क्या कोई भी प्रॉमिस याद नहीं रहेगा मुझे? सुमन तो यहाँ। नंदिनी हमारे साथ चलो। अरे क्या हुआ? नंदिनी प्लीज हमारे साथ चलो। लेकिन कहाँ? तूने देखा नहीं अभी घर में कितना तमाशा हुआ? वही तो, अगर अंशुमन जी को हमने ये बात बताई तो घर में और तमाशा हो जाएगा। प्लीज हमारे साथ चलो, प्लीज। सुमन लेकिन अरे जाना कहाँ है सुमन? पापा मेरी अभी SP से बात हुई है, उनका कहना है कि अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए और कल रात से किसी भी थाने से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे कोई शक हो सके। देखो बेटा, हमें लगता है कि तुम्हें खुद जाना चाहिए नंदन के दोस्तों के घर देखने के लिए। आखिरकार नंदन के दोस्त तो ये सारे, नंदन के कहने पर झूठ भी तो बोल सकते हैं। ये लोग कहां जा रहे हैं? कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। मैं वहां देखती हूँ। हम वहां देखते हैं। कहाँ देख रही हो? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें नखरे क्यों कर रही हो? दाम तो बताओ अपना। नहीं आई है शायद। दाम बोल दे, शर्म कैसी? नंदिनी, नंदिनी। सुमन, चलिए। कहाँ चली? आज तो लॉटरी लग गई हम लोगों की। नई नई लड़की आई है कहीं कहीं से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है भाई। क्या बात है। पकड़ो सबको। देखो कोई भी भाग ना पाए। इधर आ। स्थिति खराब हो रही है, जल्दी से वो इंजेक्शन रेडी करो। यहाँ खड़े रहे। देखो उधर सर। यहाँ क्या छिपी है? चलो तुम लोग। चल। एक मिनट बाद।
एवरीथिंग फाइन डॉक्टर? प्रॉब्लम क्या है? डोंट वरी, अब सब ठीक हो रहा है। चोट काफी थी लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कोई खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। क्या आप जानती हैं इन्हें? हाँ, हमारे पारिवारिक दोस्त हैं राय बहादुर देवकी नंदन झा, ये उनके पोते हैं। हमारा नंदन झा भी, उसे सुरक्षित रखिएगा भगवान जी। सुमन मेरे छोटे भाई की पत्नी है और मेरा छोटा भाई लापता है। इस बारे में यहाँ के एसपी से भी मेरी बात हो चुकी है। ये दोनों बस उसे ढूंढते ढूंढते गलती से यहाँ आ गए। हाँ, मैं आपके छोटे भाई को जानता हूँ, लेकिन वो तो सिर्फ यहाँ एक ही बार आए थे, उसके बाद फिर कभी नहीं है। आप लोग अच्छी फैमिली से हैं, ध्यान रखिए इसी जगह पर ना आए। और हाँ, खास करके घर की औरतें। जी इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। सुमन, नंदनी, चलें। हमें बस अपने नंदन तक पहुंचा दीजिए प्लीज। अब इन्हें होश आ रहा है क्या? आपने राय बहादुर साहब को इन्फॉर्म कर दिया है? जी कर दिया। दादाजी, लगता है दादाजी तक नंदन की खबर पहुंच गई। सुमन तो बात करना, देखना क्या कहते हैं। अंशुमन जल्द से जल्द पटना पहुंचो, नंदन का एक्सीडेंट हो गया है। क्या हुआ सुमन? दादाजी का फोन। दादाजी? जी दादाजी। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हमने कहा जल्द से जल्द पटना पहुंचो, नंदन का एक्सीडेंट हो गया है। नंदन अस्पताल में, उसकी हालत नाजुक है। दादाजी मैं अभी यहां से निकल रहा हूं, मैं जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचता हूं। हाँ जल्दी पहुंचो, हम भी सड़क के रास्ते से निकले हैं। वो मौसम खराब होने की वजह से हमें फ्लाइट नहीं मिली। देखो तुम जल्द से जल्द वहां पहुंचो और हमें पल पल की खबर दो। जी जी ओके। नंदनी तुम सुमन को टैक्सी से लेकर घर जाओ, मुझे पटना निकलना पड़ेगा, नंदन का एक्सीडेंट हो गया। हम घर नहीं जाएंगे, हम भी आपके साथ पटना चलेंगे। नंदन को हमारी जरूरत नहीं है क्या? सुमन सुमन मेरी बात सुनो। सुमन नंदन को कुछ नहीं हो सकता, ऐसे कैसे नंदन को कुछ हो जाएगा? अंशुमन जी जल्दी से हमें नंदन के पास लेकर जाइए, हमें जल्द से जल्द नंदन से मिलना। उसे उसे बहुत डांटना है, ऐसे कोई जिद में इतनी सी बात पे घर छोड़कर जाता है क्या? यही होता है प्यार? नहीं, ये प्यार नहीं होता। नंदन को कुछ नहीं हो सकता, हमें उसे बहुत कुछ कहना। अंजुमन प्लीज हमें ले चलिए। डोंट वरी प्लीज वेट, आपको चोट बहुत ज्यादा लगी है सो आपको आराम करने की जरूरत है, आप आराम कीजिए। हाँ, वो अरे लेटे रहो बेटा, लेटे रहो, डॉक्टर सब ठीक कह रहे। मैं निर्मला रस्तोगी और ये मेरी बेटी तानिया रस्तोगी। हम लोग उसी रास्ते से गुजर रहे थे जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ, मैं और मॉम आपको यहाँ ले आए। आप सब मुझे कैसे जानते हो? तुम्हारी बड़ी माँ और मैं बचपन की सहेलियां हैं, और संजोग कुछ ऐसा बना कि मेरा ससुराल भी तुम्हारे घर के पड़ोस में ही हो गया। फिर हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, तानिया भी पैदा नहीं हुई थी। इसका जन्म तो वहीं पर हुआ, मेरे अमेरिका में। अंशुमन को शायद याद होगा, मैं रहती मेरे अमेरिका में थी लेकिन खबर सारी रखती थी तुम लोगों की। हाँ डोंट वरी, मॉम ने आपकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। सुमन भी आ रही होगी, कितने सवाल होंगे उसके पास, क्या क्या जवाब दूंगा।
I'm sorry, Sumar. कोई बात नहीं, ये लीजिए. Thanks. सुमन, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक. नहीं अंशुमन जी, कल से आप बहुत भागा दौड़ी कर रहे हैं. हम है ना, हम ड्राइव कर लेंगे. आप आइए, आराम से बैठ जाइए. दीदी के लिए गजरा ले लो ना साहब. लाओ हमें तो. शुक्रिया. कल से बाल तक सही से नहीं बांधे हमने. नंदन को बिल्कुल पसंद नहीं. अब ये कचरा लगाएंगे ना तो वो खुश हो जाएगा. सुमन थोड़ा आराम से. जी अंशुमन जी. नंदन कोई ऐसे करता है भला? हम सबकी सांस अटकी हुई थी. माँ माँ रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ. छोटा सा एक्सीडेंट था, बाकी कुछ नहीं हुआ है. और तो और माँ, यहाँ पे तो बड़ी माँ की बेस्ट फ्रेंड निर्मला आंटी जी भी है. उन्होंने ही मेरी जान बचाई, सही समय पर हॉस्पिटल लेकर आई. और उनकी बेटी भी है तानिया यहाँ पर. चलीजिए माँ, बात कीजिए. नमस्ते, ये है मेरी बेटी तानिया, इसी ने जान बचाई है नंदन की. हाय. नमस्कार. हमें समझ नहीं आ रहा आपका कैसे धन्यवाद करें, आपका उपकार हम कैसे चुका पाएंगे. अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है ना दुनिया में. मेरे अमेरिका में होती ना, सबको हेलीकॉप्टर भेज के बुलवा लेती हॉस्पिटल. वैसे आप चिंता मत कीजिए, नंदन अब ठीक है. वैसे हमारी सहेली मन्नु नहीं दिखाई दे रही. यही है वो, बुलाते हैं हम. दीदी लीजिए. अरे हम कहाँ जाएंगे नीरू, हम तो यहीं भागलपुर में जमे हैं. तुम चली गई थी ना अमेरिका समरिका, अब देखो तुम वापस आई हो. और जैसे ही आई हो हमारे बच्चे के लिए देवदूत बन गई हो तुम. मेरा और तुम्हारा लगाव ही ऐसा था कि भगवान ने सही वक्त पे भेज दिया हमें. हाँ अच्छा, अंशुमन आ ही रहा होगा. जैसे नंदन ठीक हो जाए जल्दी से उसे लेकर यहाँ आ जाना नीरू. हाँ हाँ बिल्कुल. अब जैसे ही डॉक्टर बोलेंगे हम यहाँ से सीधा भागलपुर चले आएंगे. इंतजार रहेगा तुम्हारा, आने पे बाकी बातें होंगी है नीरू. चलो. हाँ देखा, हमारी ही बचपन की सहेली काम आई. सोचो जरा अगर उस समय पे नहीं पहुंचे तो क्या होता बताओ. घर का लड़का पकड़ा भाग गया और भागी भागी गई है अंशुमन के साथ. अरे कल रात को इतना बड़ा बतंगड़ बना लेकिन नहीं, हमारी बात का तो किसी को परवाह है ही नहीं छोटकी, है ना. अरे सोच के देखो छोटकी देवर जी, अभी जब वो पहुंचेगी ना नंदन के पास, साथ में उसके अंशुमन भी होगा, तब का बीतेगी उस पे, का सोचेगा वो. सोचो सोचो. बड़की समधन जी सही कह रही हैं, जिस बात से नंदन बउआ चिड़े हुए हैं उसी बात को बार बार काहे सब दोहरा रहे हैं. ऊपर से सुमनिया भी ना पता नहीं काहे बोराई हुई है कि लोग लिहाज का फिकर ही भूल गई है. बस करिए आप लोग, बस करिए. सुमन नंदन की पत्नी है, जब सुमन को नंदन के बारे में पता चला तो कैसे रोक सकती थी अपने आप को. जब बात अपने सुहाग पर आती है ना तो किसी को कोई मर्यादा याद नहीं रहती, याद रहता है तो सिर्फ अपना सुहाग. ये बात तो समझ सकते हैं ना आप लोग. नंदन, मैं नंदन, 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 नंदन. मॉम ये कौन है? पता नहीं.